नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। संयुक्त बुद्ध विहार समिति की ओर से 8 जुलाई को भंडारा शहर में समस्त बुद्ध उपासक और उपासक की ओर से धम्म रैली का आयोजन किया गया। शहर की जनता को गौतम बुद्ध के विचार और प्रेरणाओं पर चलने के प्रति रैली द्वारा समाज समझाने का प्रयास किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर सभी धर्म के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक विशाल प्रोग्राम है जो देश के लिए एक अच्छा संदेश भी है। आई अपने धर्म गुरु जी से कि क्या है प्रोग्राम, क्या है अपन को बुद्ध धर्म देकर भारत में समता प्रस्थापित करने का एक नया आंदोलन शुरुआत किया। उसके पहले उन्होंने संविधान देकर समता का शासन लाने का एक आंदोलन शुरू किया था। मतलब ये दो आंदोलन महत्वपूर्ण है, संविधान से समता आएगी तथा बुद्ध विचारों से समता आएगी। बुद्ध ये कोई धर्म नहीं है, किसी ने सर्टिफिकेट लिया तो बुद्ध होता नहीं है, ये सर्टिफिकेट वाला धर्म नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास सर्टिफिकेट ना भी हो लेकिन उसका आचरण यदि समता मूलक है तो वो बुद्ध हो सकता है, वो बुद्ध रहेगा। तो ये सारा बुद्धिस्ट पूरे भारत के लोग जो है वो बुद्धिज्म को माने, समता के विचारों को माने और समता प्रस्थापित करें। इस समता प्रस्थापित करने के लिए हम पिछले 5 साल से रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग जो है वो कुछ दिनों के लिए श्रामणेर भिक्षु बनते हैं और गली गली जाके, बिहारों में जाके और नुक्कड़ में जाके तथा लोगों से बात करके समता प्रस्थापित करने का आंदोलन चलाते हैं। आज के जो प्रोग्राम आज, वैसे कल मऊदा में था, मऊदा से लेकर भंडारा जिले में हम आए, वहाँ पे जवाहर नगर फैक्ट्री के आजू बाजू में जितने भी देहात है और गांव है वहाँ पे हमने विजिट दी और आज हम भंडारा शहर के हर बुद्ध विहार में हमने आज विजिट दी है। हमारे साथ में उपासक तथा उपासिकाएं थी, भिक्खु संघ था और सब लोगों के साथ में मिलकर हम आज यहाँ पे बाबा साहब के इस जगह पे जहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू है भंडारा के मुख्य चौक में वहाँ पे हम इकट्ठा हुए और इसकी जो आधार है जिस बात के लिए हम धम्म रैली निकालते हैं उसकी बात हमने। जनपद पंचायत शहपुरा भिटोनी में हर मंगलवार कदम जनसुनवाई होती है। इसी के चलते आज मंगलवार को 11 बजे से 1 बजे तक जनसुनवाई हुई जिसको लेकर शहपुरा SDM मनेन्द्र सिंह ने क्षेत्रों से आए ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनी और मौके पर 3 समस्याओं का निराकरण किया। स्कूल में एडमिशन न होने का निराकरण, किसान की भूमि में सीमांकन का निराकरण, समग्र IT परिवार संबंधित समस्या का निराकरण किया गया जिसमें तहसील शहपुरा के सभी विभागों के मुख्य अधिकारी मौजूद थे। सुनवाई में 6 आवेदन पत्र आया जिसमें से 3 का तो मौके पर ही निराकरण करा दिया गया। 3 आवेदन पत्र लंबित है जिसमें कि स्थल निरीक्षण की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग को उसको मार्क करके दे दिया गया, निर्देशित कर दिया गया है। अगले सप्ताह उसका फॉलो अप होगा, अगले सप्ताह वो निराकरण करके स्वयं लेकर के यहाँ आएंगे। धमतरी पुलिस को एक और अहम कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में मवेशी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गिरोह के 4 सदस्य सहित चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली कार, मोपेड, हथियार सहित नगद रकम और 3 मवेशी बरामद कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। दरअसल 2019 में धमतरी जिले के अलग अलग स्थानों में मवेशी चोरी की घटनाएं काफी तेज हो गई थी जिनकी रिपोर्ट संबंधित थानों में लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिस पर नजर रखते हुए पुलिस ने कई मुखबिर लगा रखे थे। मुखबिर की सूचना पर ब्रेजर पुलिस को एक अहम जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें दुर्ग जिले के रहने वाले 4 लोगों द्वारा बकरा बकरी चोरी करने वाली जानकारी पुलिस को मिली। सूचना पाकर पुलिस ने एक दल गठित कर दुर्ग जिले के 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार गिरोह के 4 सदस्य धमतरी, राजनांदगांव जिले सहित आसपास के राज्यों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं तो वहीं पहले भी इसी तरह की वारदात में जेल की हवा खा चुके हैं। बहरहाल पुलिस चोर गिरोह के 4 सदस्यों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वर्ष 2019 में धमतरी जिले के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली, अर्जुनी, भखारा, कुरुद, बिरेझर आदि क्षेत्रों में बकरे चोरी के अनेक प्रकरण हुए थे। इसको लगातार नज़र में रखा जा रहा था, मुखबिर लगाए गए थे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर चौकी प्रभारी बिरेझर हेमंत पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि भिलाई निवासी जो कि रुआ बांधा के रहने वाले हैं, रुआ बांधा क्षेत्र के,
मोहम्मद शफी, अंसार अली, अशफाक अली, मोहम्मद हमीद द्वारा बिरेझर एवं अन्य क्षेत्रों में बकरे बकरियों की चोरी की गई है। इस सूचना पर तत्काल ये टीम रवाना हुई और इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने बिरेझर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिर्री, चिंवरी, करगा तथा सकरी चार चोरी के प्रकरण, कुरूद थाना अंतर्गत ग्राम गोबरा, थाना अर्जुरी के ग्राम कुरमातराई, थाना भकारा क्षेत्र के ग्राम कुर्रा एवं थाना सिटी कोतवाली धमतरी क्षेत्र में एक प्रकरण, इसी तरह से जिला राजनांदगांव के खड़गवां एवं सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो जिले के कुल 9 और राजनांदगांव जिले के 2 कुल 11 प्रकरणों में इस तरह से बकरा बकरी चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही साथ बकरा बकरी को आपस में बांट कर काट कर मटन मार्केट में बिक्री करना बताया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आरोपी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि आसपास के राज्यों में भी घूम घूम कर बकरा चोरी करते थे तथा इसके पूर्व भी बकरा बकरा चोरी के प्रकरण में जेल जा चुके हैं। आरोपियों द्वारा चोरी को अंजाम देने के लिए एक प्रयुक्त सिल्वर कलर ओमनी कार क्रमांक CG07AS2086 एवं रेकी करने में उपयोग में लाए गए एक एक्टिवा क्रमांक CG07BB3531 तथा बकरा बकरी काटने का हथियार व बिक्री रकम 3600 रुपये एवं 3 नग बकरी तथा एक मोबाइल को भी जब्त किया गया है। आरोपियों को बिरेझर के प्रकरण में धारा 457-380-34 में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिरेझर पुलिस को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता में थाना प्रभारी कुरूद विपिन लकड़ा, चौकी प्रभारी हेमंत पटेल एवं प्रधान आरक्षक राम सिंह साहू, दारा चंद्राकर, आरक्षक चंद्रहास टंडन, अश्वनी बंजारे, शेष नारायण पांडे, गजेंद्र टंडन एवं दुर्ग पुलिस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद मुख्यालय अंतर्गत उसरी घुंडी और मनोरी के बीच जोड़ने वाला पुल ठेकेदार और जिम्मेदार विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। मजबूरी में ग्रामीण जन और स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। जी हां, हम डिंडोरी जिले की बात कर रहे हैं। आज सत्ताधारी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और विकास की बात करते हैं, लेकिन आप तो नज़ारा देख रहे हैं। ये नज़ारा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाले जिम्मेदारों को ये नज़ारा आईना दिखाने का काम कर रहा है। जिला मुख्यालय और जनपद मुख्यालय से लगभग 1.5 दर्जन गांव को जोड़ने वाली सड़क कर्रा नदी के ऊपर लगभग 1,59,00,000 का पुल 3 साल से पुल निर्माण का काम ठेकेदार मनमाने ढंग से कर रहा है। मजबूरी में ग्रामीण जन और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बारिश में तेज नदी के बहाव होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। प्रसव कराने के लिए महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं। बीमार मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर हैं। बारिश के चलते आवागमन ठप हो चुका है और जिम्मेदार विभाग के ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी लगाकर मामले से भागने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी ठेकेदार के ऊपर मेहरबान क्यों बने हुए हैं? समयावधि के अंदर पुल क्यों नहीं बन पाया? अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीण जन लाचारी और मजबूरी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। उसरी गुंडी और मनोरी के बीच। अच्छा, कब से बन रहा है ये? तो एक साल से ज्यादा हो गए। हाँ। ये बारिश लग चुकी है, ये पुल बह गया है, क्या स्थिति है अभी यहाँ की? ये तो जल्दी बना ही नहीं रहे, नहीं बना रहे। हाँ, स्कूल जाने में तकलीफ हो रही है। कैसे फिर दिक्कत होती है आने जाने में? तो यही बाढ़ आ जाता है, तो जान हथेली में रख के जाना पड़ता है। हाँ। कितने बच्चे आते जाते हैं स्कूल यहाँ से? तो बहुत सारे, पर अभी नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पर जैसे कोई मरीज होता होगा या डिलीवरी वाली महिला, फिर कैसे करते होंगे? वो तो पता नहीं सर, तकलीफ हो, सभी लोग होता है ना, उसको दिक्कत हो रही है। हाँ, देखिए, समयावधि के बाद अगर ये काम करेंगे उसमें हमारे पेनल्टी लगाने 10% पेनल्टी लगाते हैं। जितने भी काम डिलीवरी के डिले होते हैं, अभी रनिंग बिल से भी उनके पैसे काटते हैं, तो उसमें अगर जो डिले करेंगे तो कॉन्ट्रेक्टर अनुसार पेनल्टी काटेंगे। सर, डिपार्टमेंट तो पेनल्टी काट लेगा, लेकिन जो ग्रामीणों को दिक्कतें आ रही हैं, जो जैसे वहाँ पर बाढ़ के कारण से सड़क रास्ता टूट गया है, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही, बच्चों को दिक्कत हो रही, फिर वो कब तक निर्माण की स्थिति? देखिए, इसको हमने टारगेट बनाया दिसंबर तक हम रोड चालू करेंगे, और नुकसान तो जनता को होता है, तो उसी की हम डिले पेनल्टी काटते हैं। जो नुकसान जनता का होगा उससे उनकी पेनल्टी बनाते हैं। पवई वन क्षेत्र अंतर्गत शाहपुरा बीट के ग्राम कंधेली हार के नाले पर नहाने गए युवक गोविंद सिंह, पिता किशोरी, उम्र 24 वर्ष, पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। व्यक्ति जब सुबह 9 बजे नहाने के लिए नाला गया हुआ था,
तभी अचानक झाड़ियों में छिपे भालू ने हमला कर दिया, जिससे वो व्यक्ति नाले में गिर गया। वहां मौजूद ग्रामीणों और कुत्तों के भौंकने से भालू वहां से भाग गया और ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। तब वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को पवई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उपचार जारी है। वन परिषद अधिकारी द्वारा 2000 की तत्कालिक सहायता राशि दी गई और इलाज करवाया जा रहा है। SDO वन भी घायल देखने को और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हैं। ज्ञात हो कि वन परिक्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की बदली की गई है, जिस वजह से अधिकारी और कर्मचारी जंगल में न जाकर अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिस कारण से जंगली जानवर सड़क और ग्रामों में आ रहे हैं। ये आज वन परिक्षेत्र पवई अंतर्गत बीट कंधेली के कंधेली नाला में एक ये ग्रामीण गोविंद सिंह नहाने गया हुआ था, तो वहाँ झाड़ियों के पास छुपके बैठे भालू ने इस पर अटैक कर दिया और जैसे तैसे भालू को कुत्तों और ग्रामीणों की मदद से भगाया गया और इसको सुरक्षित लाकर यहाँ पवई में एडमिट कराया गया। अभी इसको कुछ उपचार सहायता के लिए कुछ राशि दी गई है? हाँ, इसको अभी प्रारंभिक तौर पर इसको अभी 2000 रुपये दिए गए हैं और जब तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा तो रोज़ाना जो भी होगा तो उसको दिया जाएगा और जो इसके उपचार पर खर्च होगा उसका मुआवजा इसको दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।